राजस्थान के ऐतिहासिक शहरों में शुमार है बीकानेर। 5 सदी पुराना यह शहर अपनी खास सांस्कृतिक पहचान रखता है। यहाँ ऐसी ही एक लोक संस्कृति है रम्मत। अगर ये कहा जाए कि बीकानेर की पहचान इन रम्मतों से है तो गलत नहीं होगा। बीकानेर की हवेलियां हों या फिर यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, या फिर बात भुजिया और रसगुल्लों की हो, बीकानेर एक शहर कम और जीवन शैली ज्यादा लगता है। फाल्गुनी मस्ती की बयार में होली के मौके पर बीकानेर शहर अलग ही रंग में रंगा नजर आता है। होली पर यहाँ रम्मत यानी नुक्कड़ नाटकों का आयोजन होता है। लगभग 300 साल से बीकानेर में रम्मतों का आयोजन होता है। होलाष्टक के साथ ही बीकानेर में इन रम्मतों का आयोजन होना शुरू हो जाता है। लोक संस्कृति जो लुप्त होने जा रही है, हम उसको प्रयास करते हैं कि हमेशा उजागर होती रहे और दिन दूनी रात चौगनी लोग रमत करते रहे। पहले रमतें कम होती थी, अब रमतें मतलब 11 हो गई है। पहले 6 या 7 थी, आज बीकानेर की रमतें 11 हो गई है। तो हम ये भी करते हैं। दूसरे में सबसे बड़ी बात है कि इस रमत से हमें कुछ ज्ञान भी मिलता है। हम युवाओं को भी यही शिक्षा देते हैं कि आप में भी ये मतलब जज्बा होना चाहिए कि आप ही कोई चीज़ को ठान लें तो उसको पूरा करके छोड़ें। क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर कोई इन रम्मतों में अपनी सहभागिता निभाते नजर आता है। मनोरंजन के साधन भले बदल गए हों, लेकिन बीकानेर के युवा इन रम्मतों को अपनाना अब सीख रहे हैं। एक समय था जब मनोरंजन के कोई साधन नहीं थे और होली का अवसर होता था तो मनोरंजन के तौर पर इन्हीं साधनों से लोग एकजुट होते थे और इन रमतों के माध्यम से मनोरंजन होता था। आज समय बदल गया, आप हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, टीवी है, लेकिन उसके बावजूद भी बीकानेर का युवा भी इस परंपरा के साथ जुड़ा है। और जैसा कि पिछले कुछ वर्षों से देखने में आया कि युवाओं को काफ़ी क्रेज हुआ इन रमतों को लेकर। अभी फिलहाल बीकानेर में रमत महोत्सव हुआ था, उसको भी लेकर क्रेज था। तो ये हम कह सकते हैं कि बीकानेर के लोग परंपराओं को सहेज कर रखते हैं और ये परंपरा जो किसी समय शुरू हुई थी मनोरंजन के नाम पर, आज वो मनोरंजन के साथ साथ एक हिस्सा बन गई, शहर की पहचान बन गई और होली की पहचान बन गई। और यही कारण है कि आज बीकानेर की रमतों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। रमतों में समसामयिक घटनाओं पर कटाक्ष भी देखने को मिलता है, तो फिर दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं से सबक लिए हुए भी ये रमतें दिखाई देती हैं। कुल मिलाकर इस लोक कला को संरक्षण देने की दरकार है। ये नुक्कड़ नाटक बरसों से बीकानेर में लोक संस्कृति को उजागर करते हैं। कहीं पर ख्याल, चौमासा, लावणी और समसामयिक विषयों के ऊपर व्यंग्यात्मक ख्याल आते हैं और उन ख्यालों के माध्यम से महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में और किसानों की समस्याओं के बारे में अलग अलग, जैसे एक बार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो सोने के मामले में उन्होंने जो कानून बनाए थे उनको लेकर करारा व्यंग कसा गया था। तो ऐसे समसामयिक विषयों के ऊपर ख्याल बनते रहते हैं। होली की मस्ती में बीकानेर की गलियों मोहल्लों में रम्मतों का दौर चल रहा है। इस नाटक में गीत संगीत में बहुत कुछ छुपा है। बीकानेर का इतिहास और संस्कृति कई तरह से उजागर होती है, जिनमें रम्मत का स्थान कुछ खास है। ईटीवी भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास की रिपोर्ट।